हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम ई एकेडमी। 9 अगस्त 2018 का द हिंदू न्यूज़पेपर आज हम एनालाइज करेंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे बोल रहा हूँ और आराम से समझते रहना, हाईली इम्पोर्टेंट है आज का न्यूज़पेपर। पेज नंबर 1 पे सबसे पहले आ जाओ। पहले पेज पे एक हेडिंग है, दिल्ली हाई कोर्ट डी क्रिमिनलाइज बैगिंग इन दिल्ली। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, जो भिक्षा मांगते हैं, मतलब जो भीख मांगते हैं, ठीक है, उसको अभी तक जो एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक तरीके का क्राइम है, ठीक है, उसमें आपको पुलिस पकड़ सकती है और आप पे आईपीसी की धारा के अंदर केस बुक किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो बोला, उन्होंने क्या बोला कि जो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट है, जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब जो है भिक्षा वृत्ति, मतलब जो भिक्षा मांगते हैं, जो भीख मांगते हैं, उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको डीक्रिमिनलाइज। सोशल वर्क जिन जिन का ऑप्शनल है, सोशल वर्क में एक अलग से टॉपिक है बैगरी, ठीक है, पेपर नंबर 2 में, वहाँ पे मैं बहुत सारे एक्ट पढ़ाता हूँ। ये बॉम्बे प्रिवेंशन एक्ट भी पढ़ाता हूँ, मैसूर एक्ट भी पढ़ाता हूँ और मद्रास एक्ट भी पढ़ाता हूँ। तो ये हाईली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सोशल वर्क और सोशोलॉजी वाले ऑप्शनल वाले स्टूडेंट के लिए, और ऐसे में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहते हैं डीक्रिमिनलाइज इसलिए करी है क्योंकि उन्होंने कहा ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, कि आपने क्रिमिनलाइज कर दिया कि भीख कोई नहीं मांगेगा, भीख मांगेगा जो उसको आप बुक कर सकते हो, उठा के आप जेल में डाल सकते हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहला पैदा करो, तो सॉल्यूशन की तरफ अब ज़्यादा ध्यान जाएगा क्योंकि अभी क्या हो गया, डीक्रिमिनलाइज हो गया है। अगली न्यूज़ पेज नंबर 1 पे ये अलार्म ओवर डेडली पेस्ट। देखो, कर्नाटका स्टेट में एक जो पेस्ट है, ठीक है, उसका नाम है फॉल आर्मी वॉर्म, ठीक है, ये रिसेंटली जो है देखा गया है कि ये फसलों को नुकसान कर रहा है, और मेनली जो एक इसमें मिलता है मक्के में, मेज़ में मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसने मेज़ को नुकसान दिया है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो ज़्यादातर मेज ही उगाता है वहाँ पे भी मेज के प्रोडक्शन में सडनली बहुत ज़्यादा कमी देखी गई इस इकलौते जो पेस्ट के कारण। और इस पेस्ट का नाम क्या है, फॉल आर्मी वॉर्म, इसका नाम हमेशा याद रखना। अब ये भारत में भी इसको ट्रेस कर दिया किया गया है और ये 100 तरह की अलग अलग क्रॉप्स पे फीड करता है, मतलब उन क्रॉप्स को ये खाता है, वेजिटेबल को भी खा जाता है, राइस को भी खा जाता है और शुगर केन को भी खा सकता है। तो देखो, अगर ये वेजिटेबल में भी लग रहा है ये पेस्ट, ठीक है, राइस में भी लग रहा है, शुगर केन में भी लग रहा है और मेज़ में, तो इसका मेज़ इसका फेवरेट है, तो फिर बचा ही क्या। तो भारत के लिए ये फूड सिक्योरिटी का इशू जो हम पढ़ते हैं उसके लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है। दूसरा, ये नए पेस्ट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, उससे नए पेस्टों का अटैक हो रहा है और ये क्या है, इनवेसिव है, मतलब ये इंडिया में अभी तक नहीं पाया जाता था, ये जो था अफ्रीका में, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में मिलता था, अब ये एशियन कंट्री में भी मिला है, ठीक है। और साइंटिस्टों का कहना है कि अभी कर्नाटका में तो इसको ट्रेस कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि ये पूरे भारत में कहीं ना कहीं ये और जगह भी इसके मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इसका नाम याद रखना, फॉल आर्मी वॉर्म, पेपर नंबर 3 मेंस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस। और जो पहला वाला है ये जो था हमारा, किस किस के लिए था, एसए के लिए था और सोशल वर्क और सोशोलॉजी ऑप्शनल वालों के लिए था। पेज नंबर 1 अभी भी चल रहा है, एडल्ट्री जेल टर्म डज नॉट मेक एनी सेंस। देखो, एडल्ट्री में हमने पहले वीडियो में हमने पढ़ रखा है एडल्ट्री क्या होती है, अब उसका एक नया आउटकम और सामने आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि एडल्ट्री में अगर आप जेल टर्म करते हो तो ये कोई सेंस नहीं है। क्यों सेंस नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी दो इंडिविजुअल जिनकी शादी हो गई है, वो दूसरे जो कपल्स है, ठीक है, उसके संग अगर संबंध स्थापित करता है, ठीक है, कंसेंट से, तो वो क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रियों ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर रखा है लेकिन भारत में अभी भी क्या है, ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दो एडल्ट्री को। लेकिन मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हाँ ये जो एक्ट है अब डीक्रिमिनलाइज हो जाए, भारत बहुत एडवांस सोसाइटी की तरफ जा रहा है, अब इस एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे अटॉर्नी जनरल के थ्रू जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके अनुसार गवर्नमेंट चाहती है कि ये आईपीसी
की धारा में बना रहे, क्योंकि ये सेंसिटी ऑफ मैरिज मतलब एक समाज में मैरिज को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी कानून है, तो इस कानून को हटाया ना जाए, इस कानून को जैसे पहले था आईपीसी में वैसे ही रखा जाए और इसको ऑफेंस माना जाए। तो गवर्नमेंट का स्टैंड जो है एकदम अलग है और सुप्रीम कोर्ट एकदम अलग तरीके से सोच रहा है। अब देखो आगे क्या होता है एडल्ट्री लॉ के ऊपर। अगला जो है पेज नंबर 3 पे जो है मासनजोर डैम, ये मैंने खाली इसलिए लिख दिया क्योंकि पीटी पॉइंटर था। ये जो डैम जो है इस पे डिस्प्यूट हो रहा है किन दो स्टेटों के बीच में हो रहा है वो आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल वर्सेस झारखंड। तो ये कभी भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि ये डैम जो है ये डिस्प्यूटेड है किन दो स्टेटों के बीच में। अब सीधे हम आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे आपको एक खबर दिखेगी जिसमें लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट एससी कंस्टिट्यूट ए पैनल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है किसके लिए, देखो जो हमारी जितनी भी जेल हैं ठीक है वो ओवर क्राउडेड है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा वहाँ भीड़ होती जा रही है, और जो अंडर ट्रायल है ठीक है, जिनका अंडर ट्रायल मतलब उन्हें कहते हैं जिनका हमने अभी तक ऑफेंस जो है प्रूव नहीं हो चुका है लेकिन वो अभी भी ट्रायल चला ही जा रहा है, तो ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, जेल की कंडीशन को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल एक जो है गठित किया है। पेपर नंबर 2 में ये टॉपिक जाएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या है, ओवर क्राउडेड कंडीशन और अंडर ट्रायल मैंने बता दी। अब जस्टिस लोकूर ठीक है ना, इनने क्या क्या स्टेटमेंट दिया उसे हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ होती है जेल मैनुअल, ठीक है ना, जेल मैनुअल और पुलिस रिफॉर्म, ठीक है ना, और जुडिशियल रिफॉर्म, ये अलग अलग टॉपिक हैं पेपर नंबर 2 में, जिस हम इन तीनों में इसको इस अटैचमेंट को दे सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आइडेंटिफाई इशू करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमने आपके लिए मतलब जेल में जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए 1000 crore रुपीज़ का कलेक्शन कराया, कुल मिला के मोटा मोटा 30,000 crore, देखो छोटी मोटी अमाउंट ने 30,000 crore के आसपास जो है कलेक्शन हुआ जेल की कंडीशन को सुधारने के लिए। लेकिन सरकार ने पैसा कहाँ खर्च करा, इनके अकॉर्डिंग बाइंग द वॉशिंग मशीन, मतलब वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसा खर्च किया गया। उनका कहना है कि जिन जो जेल में जो लोग होते हैं कैदी, उनके पास कपड़े तो है होते नहीं है, और आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो। दूसरा सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है कंप्यूटर्स में, तो उन्होंने कहा कि आधे से ज़्यादा जो जेल में जाते हैं वो कौन है, भारत में इलिटरेट, और तुम इलिटरेट लोगों के लिए कंप्यूटर लगा रहे हो ठीक है, और लैपटॉप्स लगा रहे हो। तो कुल मिला के उनका कहने का मतलब था कि जो हमने आपके लिए फ़ंड जो है इकट्ठा करवाया था 30,000 crore का, उसका आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसका वाइजली यूज़ करो ठीक है ना। तो उसके लिए पैनल बैठा है जिससे कि इस पैसे का वाइजली यूज़ करें। और बिल्कुल सही बात है कि हमें सबसे पहले बेसिक टर्म समझनी चाहिए, मतलब बेसिक जो है कमियां क्या है वो समझनी चाहिए। इससे पहले हमने रेलवे में पढ़ा था कल कि रेलवे को मॉडर्नाइजेशन करने से पहले क्या क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी ही इन जेल में वॉशिंग मशीन रखने से लैपटॉप रखने से कुछ नहीं होगा, मेन जो है हमारा ओवर क्राउडेड कंडीशन है, हम इसको कैसे सॉल्व करें और अंडर ट्रायल को कैसे ख़त्म करें जल्दी से जल्दी, तो इस पे हमें वर्कआउट करना चाहिए। तो ये गवर्नेंस का भी टॉपिक में जाता है, देखो कितने सारे टॉपिक मैंने इसको ले लिया, तो पेपर नंबर 2 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रख लेना, पेपर 2 की कॉपी में इसको आप ऐड करोगे। अगला जाते हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 एडिटोरियल है, इस बार 3 एडिटोरियल आए हैं, तीनों के तीनों एकदम शानदार हैं ठीक है, और उनको हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपको एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे मिल जाएगा वेलकम क्लाउड्स। ठीक है, वेलकम क्लाउड जो है ये एडिटोरियल जो है ये आर्टिकल हमारे इंडियन मानसून से रिलेटेड है। देखो इंडियन मानसून का हमें पता है कि हाईली क्या है ये, इसमें वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब क्या है, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है ठीक है। देखो जब दिल्ली में इस बार बहुत ही कम बारिश हुई है ठीक है, अब बात करें हम उत्तराखंड में ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो अलग अलग स्टेट मतलब इसका जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अनइवन है, किसका, इंडियन मानसून का, वाइड वेरिएशन है, कहीं पे फ्लड आ रही है, कहीं पे ड्रॉट आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो जहाँ जहाँ फ्लड आ रहा है उसके कुछ आंकड़े इस आर्टिकल में दिए गए थे कि इस साल कम से कम 465 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है
ठीक है, इस फ्लड आने से बहुत सारा रोड को और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, और ये नुकसान जो है इकोनॉमिकली एक और वर्डन आ गया हमारे ऊपर, और जो लोग हैं बहुत सारे कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं रिलीफ कैंप में इस फ्लड के आने के कारण। अब हमें मेन जो है जो हमारी फाइंडिंग है हमें उसे याद करना है कि देखो हमें क्या करना चाहिए। मानसून जब आता है तो वाटर एक्सेस हो जाता है, तो सबसे पहले हमें सरफेस वाटर को स्टोरेज करना है, इसको बहने नहीं देना है कि ये बह के समुद्र में चले जाए, ठीक है, क्योंकि इंडिया में वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आई जा रही है। तो इसलिए एक राइट टाइम है कि हम इस वाटर को स्टोर करें कहीं ना कहीं किसी तरीके से, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में अगर हम इंडिया को देखें, ठीक है, मान लो एक रफ मैंने इंडिया का मैप बना दे रहा हूँ, ठीक है, अरे सॉरी गलत हो गया, डायग्राम को देखो मत, खाली आप समझो, ठीक है। जो ये हमारा इंडिया है इसमें जो एल्यूवियल सॉइल रीजन है, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, और क्या पाई जाती है, कोस्टल एरिया के आसपास पाई जाती है। तो जो एल्यूवियल सॉइल रीजन है हमारा, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल मतलब डोमट मिट्टी जहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे स्लो प्रेसिपिटेशन मतलब कम वर्षा हो, धीरे धीरे वर्षा हो, तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज सबसे ज़्यादा होता है। अगर यहाँ तेज़ी से बारिश हो गई तो वो क्या हुआ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हुआ, वो पानी सीधे बह के चले जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा साउथ है, ठीक है, हमें पता है ये डेक्कन रीजन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सारा पेनिनसुलर जो है वो हार्ड रॉक रीजन है ग्रेनाइट का। तो ये जो रीजन है ग्रेनाइटिक रॉक का, इसमें पानी आसानी से नीचे परकोलेट नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे क्या जरूरत है, हैवी रेनफॉल की। तो अगर इस रेन एरियाज़ में हैवी रेनफॉल आ रही है तो बहुत अच्छा है, और इन एरिया में क्या होनी चाहिए, हैवी रेनफॉल की जगह स्लो स्लो धीरे धीरे रेनफॉल होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होती है, बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। तो हमने ये देखा कि एल्यूवियल सॉइल रीजन में स्लो प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा की ज़रूरत है, और हार्ड रॉक रीजन में हैवी शॉवर की ज़रूरत है, तब हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये आज बहुत अच्छा टाइम है कि हम इरीगेशन, जो भी कौन सी माइक्रो इरीगेशन स्कीम पे वर्क करें, तो माइक्रो इरीगेशन स्कीम पे वर्क करने का एकदम सही टाइम है। इसमें पानी होता है, आप छोटे छोटे चैनल बना के पानी को एक्सेस वाटर को डेफिसिट एरियन एरिया में कन्वर्ट बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये मानसून पे बहुत प्यारा आर्टिकल था। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, एडिटोरियल सेशन ही चल रहा है, गोइंग बाई नंबर। देखो इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इस आर्टिकल को आप 2, 3, 4, 5 बार भी समझ लोगे, गारंटी दे रहा हूँ। 60% बच्चों को जिनका, ठीक है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा मामला ढीला है, वो इसको आर्टिकल को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जिस लैंग्वेज में और जो समझाने की कोशिश की है तो एक बार में तो मेरे को भी समझ में नहीं आया था। तो इसलिए जो मैं बोलूँगा और जो मैं लिखूँगा उसको आराम से सुनना, उसके बाद आर्टिकल पढ़ना। ये आर्टिकल थोड़ा अच्छे लेवल का है, और ये जो आर्टिकल है पेपर नंबर 3 में जाएगा। किस में जाएगा? पेपर नंबर 3 में। इस आर्टिकल को जिन्होंने लिखा है उनका कहना क्या है, उनका कहना यह है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है GST प्रोसेस में उसको ईज आउट करना चाहिए। जब तक उस कॉम्प्लेक्सिटी को ईज नहीं करोगे, GST प्रॉपर वर्क, GST सिस्टम जो हमारा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाएगा। उन्होंने पहले कुछ रीजन दिए, फिर अपने सजेशन दिए। उनके कुछ सजेशन से मैं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि कुछ सजेशन उनके मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन उन्होंने लिखे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो मन चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। पहले उनकी फाइंडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो अप्रैल महीना है, ठीक है, फाइंडिंग पहले आराम से सुनो, तभी आपको पूरा आर्टिकल समझ में आएगा। अप्रैल जून जो क्वार्टर था हमारा, ठीक है, अप्रैल जून क्वार्टर में जो रिवेन्यू का कलेक्शन हुआ है वो सडनली कम हुआ है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया है कि जो रिटर्न फाइलिंग करते हैं हम GST के अंदर, ठीक है, वो रिटर्न फाइलिंग जो है कम हुई है, किस में, सेंट्रल GST में, किसकी तुलना में, स्टेट GST की तुलना में सेंट्रल GST में कमी हुई है, ठीक है। देखो तीन तरह के जो है GST के अंदर टैक्स सिस्टम है। सबसे पहले है आपका सेंट्रल GST, ठीक है, फिर है आपका IGST इंटीग्रेटेड GST, और फिर होता है आपका स्टेट GST। तो इन तीनों के ऊपर हम पढ़ेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि जो स्टेट GST है, ठीक है, जनरल टर्म में ये सेंट्रल GST के बराबर होता है। तो जब सेंट्रल GST और स्टेट GST लगभग जब बराबर हैं एग्जैक्ट, तो दोनों का कलेक्शन अमाउंट भी तो सेम होनी चाहिए। लेकिन देखा गया स्टेट GST की अमाउंट जो है कलेक्शन की बहुत ज़्यादा है,
सेंट्रल जीएसटी से, तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये क्या है, प्रॉब्लम का सिंड्रोम है, मतलब आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। अप्रैल महीने में जो हमारा CGST था, मतलब सेंट्रल GST, ठीक है, और स्टेट GST, इन दोनों का कलेक्शन जो है कम हुआ है किससे, इंटीग्रेटेड GST से। तो ये भी एक पहेली है कि इंटीग्रेटेड GST अपने आप पे इन दोनों से ज़्यादा क्यों हो गया, तो इन सब को हमें समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं GST इंटर स्टेट क्या होता है। मतलब मान लो ये आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपका सामान जा रहा है, क्योंकि आपको पता है GST क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से जब फाइनल कंज्यूमर की तरफ जाता है, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो अगर उसकी डेस्टिनेशन विद इन उत्तर प्रदेश ही है, अपने ही स्टेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सेल हो रही है। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब स्टेट के अंदर ही सेल हो रही है, तो उसके अंदर कौन कौन से टैक्स काम करेंगे, एक काम करेगा स्टेट GST, ठीक है, और दूसरा काम कौन सा करेगा, सेंट्रल GST। आप कुछ भी सामान लेते हो या रेस्टोरेंट में खाना खाते हो या कोई बिल्डिंग मटेरियल लेते हो, जो पर्ची आती है उसको आप आज ध्यान से पढ़ना, उसमें दो तरह के टैक्स होंगे, स्टेट GST और सेंट्रल GST, जिनकी अमाउंट लगभग बराबर ही होती है। तो उन्होंने बोला था स्टेट GST और सेंट्रल GST की जो कलेक्शन अमाउंट है वो सेम होनी चाहिए, वो ऊपर नीचे क्यों हो रही है, ऊपर नीचे क्यों हो रही है, वो आगे मैं बताऊँगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर इंटर स्टेट सेल्स हो रही है तो उसमें कौन कौन से दो टैक्स आएंगे, सेंट्रल GST और स्टेट GST, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रा स्टेट सेल्स में क्या होगा। इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब है कि नहीं, इंटर स्टेट, इंट्रा तो हमने पढ़ ली, ये उत्तर प्रदेश है और ये आपका मान लो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु में जा रहा है आपका मैन्युफैक्चर होकर कोई भी आइटम, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो डेस्टिनेशन का भी इसकी तमिलनाडु, तो यहाँ पे टैक्स दिया जा रहा है। तो इस कंडीशन में इंटर स्टेट सेल्स हो रही है तो कौन सा GST काम आएगा, तो टोटल GST की जो अमाउंट होगी वो होगी इंटीग्रेटेड GST जितना आया है प्लस सेंट्रल GST। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा कि देखो जब भी दो स्टेटों के बीच में क्या कहते हैं कार्गो या कोई मैन्युफैक्चरिंग आइटम जब जाता है, जब डेस्टिनेशन पे टैक्स लिया जाता है, तो उसमें दो आपके कॉलम्स होते हैं, एक इंटीग्रेटेड GST और सेंट्रल GST। जो सेंट्रल GST ये तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है, ठीक है, इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है सेंट्रल GST केंद्र सरकार के पास। अब जो इंटीग्रेटेड GST बचता है इसका क्या होता है, देखो इंटीग्रेटेड GST में क्या होता है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक गया है, ठीक है, तो ये जो तमिलनाडु का बायर था इसने उत्तर प्रदेश के बायर को IGST जमा किया है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन थी तमिलनाडु। अब ये IGST में भी क्या क्या चीज़ हैं, दो चीज़ हैं, IGST में जो सारा IGST ये दोनों स्टेटों, ये स्टेट के पास नहीं जाएगा, ठीक है, एकदम से वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो खर्चा आया होगा, जो टैक्स मान लो कोई रिबेट स्कीम चल रही होगी, जो भी रिफंड चल रहा होगा, पहले वो रिफंड अमाउंट सेटल होगी तभी टैक्स आएगा, और उसमें लगेगा टाइम, ठीक है ना, महीने लग जाते हैं जो क्रेडिट को रिफंड कराने में, ठीक है, तो वो क्रेडिट जब रिफंड होगा तब फिर वो स्टेट के खाते में जाएगा, तब तक स्टेट का जो अकाउंट है उसमें वो टैक्स नहीं चढ़ेगा, जबकि सेंट्रल के केस में तुरंत चढ़ गया था। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि जितने भी इंटर स्टेट सेल्स हो रही हैं वहाँ पे हम अगर कैलकुलेशन करेंगे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम बिकने के बाद, तो हम देखेंगे कि सेंट्रल के पास तो टैक्स तुरंत आ गया है, लेकिन जो स्टेट के पास आना चाहिए था इंटीग्रेटेड GST के सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो कब आ रहा है, जब जो क्रेडिट का क्लेम है जो सेटल हो रहा है तब, और उसमें महीने लग जा रहे हैं, तो एकदम से अकाउंट बुक में वो पैसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या है, दोनों में वेरिएशन आ रहा है। इसी कारण किसी किसी क्वार्टर में GST सेंट्रल GST के ज़्यादा हो जा रहे हैं, कभी स्टेट GST के ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक तरीके की अकाउंट कैलकुलेशन ही है। अब देखो जैसे कि अब किसी कोई इम्पोर्टर है, ठीक है, इम्पोर्टर कोई आइटम मंगा रहा है, ठीक है, मान लो कोई कैपिटल गुड्स उसने मंगाए, फिर उस आइटम से मैन्युफैक्चरिंग करके उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकला, मान लो चाइना से उसने कुछ आइटम मंगाया, ठीक है, इंडिया में उसकी सहायता से प्रोसेसिंग करी और जो फाइनल आइटम आया उसको वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, तो ये भी क्रेडिट का केस हो गया, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, रिफंड अमाउंट
कुछ महीने बाद आएगी, तो ये सारे सिस्टम जो हैं फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं एक्चुअल अमाउंट एट ए टाइम ऑफ कलेक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो यही आर्टिकल कहना चाह रहा था, लेकिन आर्टिकल कहने के चक्कर में उन्होंने इतना घुमाया कि समझ में नहीं आएगा। अब आप ये चीज़ समझना, अब आपको आर्टिकल वो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने बोला है फिर आउटकम क्या है, तो सिंपल सा आउटकम है जो क्रेडिट की, ठीक है, क्रेडिट जो रिफंड की में जो टाइम लग रहा है एक महीने का, ठीक है, तो इस पे वर्क करो, इसको जल्दी से जल्दी, मतलब जैसी आइटम सोल्ड आउट हुआ और इंटीग्रेटेड जीएसटी का क्लेम सब सेटल वेटल करके क्रेडिट का रिफंड विद इन ए वीक या विद इन ए डे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो लेकिन बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जिससे क्या हुआ फाइनल हमें एग्जैक्ट फिगर मिलता रहे हर महीने का, हर क्वार्टर का ईजिली, ठीक है, पोस्टपोन्ड ना हो कि इस क्वार्टर का अगले क्वार्टर में जुड़ के मिल रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना हो। तो इन्होंने बोला है कि इस प्रोसेस को सुधारना चाहिए, ठीक है, और जो एडवांस कंट्री है उसमें जो है सेटलमेंट जो है क्रेडिट का क्लेम जो विद इन 24 आवर हो जाता है, विद इन ए वीक हो जाता है, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। तो इतना कहने के लिए उन्होंने इतना सारा जो है पूरा झोलझाल दिया। तो ये आर्टिकल आप पढ़ो आराम से, बहुत मज़ा आएगा। अगला है पेज नंबर 9, रिफॉर्मिंग सिविल सर्विस। तो ये रिफॉर्मिंग सिविल सर्विस आप लोगों के लिए आर्टिकल है, ठीक है, पेपर नंबर 2 में सिविल सर्विस रिफॉर्म में ये जाएगा और इसकी फाइंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इसको एथिक्स में भी ले सकते हो। कल मैंने बोला था एथिक्स के लिए बहुत दिन हो गए आर्टिकल आ नहीं रहा, तो दो हिंदू ने सुन ली, एथिक्स में इस आर्टिकल डाल सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे एथिक्स में कैसे डालते हो, एथिक्स में एक आपकी यूनिट है उसके अंदर टॉपिक है, सब टॉपिक इम्पार्शियलिटी, ठीक है। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होना चाहिए वो अनबायस्ड होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। मतलब आप सिविल सर्वेंट बन गए तो ये नहीं कि आप किसी एक्स पार्टी के हो और फिर उसी का ही प्रोपोगंडा जो है आप फैला रहे हो। अगर सरकार बदल गई तो दूसरी सरकार के प्रति आप न्यूट्रल, मतलब एकदम जो है आप स्लगित अवस्था में चलेगा, उनकी पॉलिसी को जानबूझ के नहीं फैलाना चाह रहे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे इसका हम यूज़ करेंगे एथिक्स में। तो दो जगह ये जा रहा है आर्टिकल, इस आर्टिकल मैंने कुछ नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि तुम्हें सुनना है और मैं लिखूँगा इसमें। देखो मेन जो है अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए, किसके लिए, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए जो है आवेदन मांगे हैं, ठीक है, और इसमें क्या है लेटरल इंट्री होगी, मतलब कोई भी आदमी जो एलिजिबल है जिसके पास जॉब एक्स है, ठीक है, भले ही वो प्राइवेट इंडस्ट्री में हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकता है। इससे क्या हो रहा है, एक हमारे रिटायर्ड कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने इस गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ रिट जो है फाइल करी है कोर्ट में कि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला क्यों नहीं होना चाहिए, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने सही भी बोला है। इन्होंने बोला है कि इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रल सिस्टम है, ठीक है, न्यूट्रल और इम्पार्शियल सिस्टम है सिविल सर्विस का, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने लग जाएगा, किसका, आईएएस का। आप लोग इतनी तैयारी करके जाते हो, ठीक है, फिर 3 जो स्टेज पार करते हो उसके बाद आपको मिलती है ट्रेनिंग, फिर उसके बाद आप अडॉप्ट करोगे किसी डिस्ट्रिक्ट को, तो ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्या है, प्राइवेट आदमी सीधे चले जा रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसका, आईएएस सर्विस का, बहुत रेपुटेटेड सर्विस है। दूसरा क्या है इसमें, क्या है आपका जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए आपने आवेदन तो मांग लिए, तो जो बहुत ही खतरनाक पीपल है, खतरनाक का मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री से जो लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट से अच्छी साँच गांठ है, वो अपने लोग जो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में भेज सकते हैं और फिर फ्यूचर में ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पता ही है कि जो कम से कम 10 या 12 इंडस्ट्रियल फैमिली ऐसी हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, तो वो अपने लोग भी भेज सकते हैं इससे। और क्या क्या हो सकता है इसमें, गवर्नमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है, प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, इम्पार्शियलिटी हो सकती है, ठीक है, कुल मिला के जो है लोग आने वाले सालों में ऐसा भी हो सकता है कि जो है गवर्नमेंट जो है अपने ही लोग प्राइवेट चैनल के थ्रू लेटरल एंट्री के थ्रू आईएएस में सब भर्ती हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एक चीज़ होती है जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, समानता और विशिष्टता, ये क्या है? देखो हमारी सरकार, हमारे देश में कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जर्नलिस्ट का मतलब है कोई एक आईएएस जो बन रहा है, वो बच्चा ग्रेजुएशन में किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है, ठीक है। उसकी ट्रेनिंग जो हो रही है एज ए डीएम हो रही है, ठीक है, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसका अटैचमेंट हो रहा है, गाँव में अटैचमेंट हो रहा है, वो सब चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है। तो वो एक तरीके से जर्नलाइज चीज़ें सीख रहा है सारी। लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक जो है स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो हमारे आईएएस लोग जो आ रहे हैं, हालांकि हमारे आईएएस जो लोग हैं काफ़ी, जो डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं, लगभग आज की तारीख में तो सभी फील्ड से आते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलिस्ट काउंट किए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी हेल्थ में, ठीक है ना, आपका डॉक्टरों जो जो बच्चा जिसका जो MBBS किया हुआ है, ठीक है, तो वो और ही स्पेसिफिक वे में पॉलिसी को एग्जीक्यूशन उसका कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट का कहना है। तो अगर हम देखें कुछ डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ICAR, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, तो इन सब के जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल है, उस सारे के सारे लोग कौन है? स्पेशलिस्ट। ऊपर वाले अगर हम देखें एटॉमिक एनर्जी, साइंस एंड टैक्स, हेल्थ, एग्रीकल्चर के, तो ये सब कौन है? साइंटिस्ट लोग हैं, ये तो आईएएस है नहीं, ठीक है। तो अगर ये चला सकते हैं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल को, जो पहले से चला रहे हैं, तो आज आप लेटरल एंट्री का विरोध क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये नई चीज़ नहीं है, ये तो बहुत पहले से ही होता है। क्योंकि जब ये लोग जॉइंट सेक्रेटरी लेवल संभाल लें, इवन डायरेक्टर तक बन जा रहे हैं, डायरेक्टर जनरल तक बन जाते हैं, DG भी बन जाते हैं एग्रीकल्चर में, तो इन्होंने तो IAS किया नहीं होता, तो उस समय तो इनका कोई विरोध हुआ नहीं, उसका अब इसका विरोध हो रहा है। तो मतलब लेटरल एंट्री तो बहुत पहले चल रही थी, अब आपके सामने आ रही है, आप इसका विरोध कर रहे हो। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस हो गई जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की। जो भी देखो पॉलिसी होती है, मतलब मान लो आपका आज आदमी IAS करके DM बनेगा, कुछ दिनों बाद ऐसे सेक्रेटरी करके करते वो लास्ट में उस पद पे चले जाएगा जो डायरेक्ट जिसकी एडवाइस और रिकमेंडेशन से हमारी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री जो है, हमारी मिनिस्ट्री जो है पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराती है। क्योंकि मिनिस्टर किस पे डिपेंड करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स पे। और जो ये हाई लेवल पे अगर पहुंचा हुआ आदमी, ठीक है, स्पेशलिस्ट नहीं है, मतलब अगर उसको पता नहीं है, ठीक है, मान लो कोई पॉलिसी आ रही है जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, हेल्थ इशू से रिलेटेड है, और जॉइंट सेक्रेटरी अगर उसी बैकग्राउंड से है, MBBS के बैकग्राउंड से, ठीक है, फैमिली प्लानिंग उसने कुछ पढ़ी हो, समझी हो, ऐसा काम किया हो, तो वो बहुत अच्छी तरह समझ सकता है कि जो नीचे से जो लोग हैं, जो पॉलिसी जो ऊपर भेज रहे हैं रिकमेंडेशन के लिए, कि वो सही है कि गलत है। गलत है तो वो मिनिस्टर को रिकमेंड करेगा नहीं, और मिनिस्ट्री को रिकमेंड करेगा नहीं तो वो एक्ट बनेगा नहीं। तो कुल मिला के हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, हम इसको नकार नहीं सकते। इसको लेने का तरीका क्या हो वो अलग अलग हो सकता है, लेटरल एंट्री लेनी है कि कैसे एंट्री लेनी है, कि ऐसा भी हो सकता है कि आज तो सारे ही बैकग्राउंड से IAS ऑफिसर आते हैं, जो MBBS वाले होते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में अटैचमेंट, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। लेटरल एंट्री की कोई ज़रूरत मेरे ख्याल से है भी नहीं, और है भी तो आप अपने हिसाब से अपना जो है थिंकिंग जो है इस पर आप बना लेना, रिफॉर्म इन सिविल सर्विस पे। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने बोल दिया, आगे हम बढ़ते हैं पेज नंबर 9 पे, ये हमारा लास्ट आर्टिकल होगा। डिसाइडिंग नहीं है, यह है डिकोडिंग DNA बिल, ठीक है, डिकोडिंग है ये, ठीक है, ये आर्टिकल जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, गवर्नमेंट में, हमारी पार्लियामेंट में, ठीक है, DNA टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेशन बिल रखा गया है। कौन सा बिल रखा गया है? DNA टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेशन बिल 2018 पार्लियामेंट में रखा गया है। तो ये जो बिल है ये क्यों आया है? ये बिल आया है कि हम अपने क्राइम जो होते हैं, ठीक है, उनको जल्दी सुलझाने के लिए, अगर हम DNA कलेक्ट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन जो है कन्विक्टेड पर्सन था, उसको हम अच्छे से पकड़ सकते हैं। और दूसरा ये आ रहा है, जो मिस हो जाते हैं पीपल, जो खो जाते हैं मिसिंग पीपल, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक DNA कलेक्शन, ठीक है, सेंटर बनेगा हमारा इस बिल के अंदर, ठीक है, और इसको पास कराया जा रहा है, पार्लियामेंट में रख दिया है ये बिल।
इस बिल को जहाँ हमने रखा है तो हमें कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिस हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा, तो उन्हीं हम प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। ये आर्टिकल कहता है कि प्रॉपर क्राइम सेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए। हमने ये बिल तो रख दिया लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो किसी इस स्थान में कुछ क्राइम हुआ है तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैंपल में एरर बहुत जल्दी हो जाती है और डीएनए इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि सामान्य पुलिस वाले जिसकी ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, डीएनए से रिलेटेड क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि डीएनए का सैंपल कैसे कलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या गतिविधियाँ करनी चाहिए कि डीएनए सैंपल ख़राब ना हो जाए, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस एक्ट का लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मतलब इन शॉर्ट हमें ट्रेंड करना पड़ेगा कि कैसे आप प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है। रिलायबल पॉलिसी होनी चाहिए, ट्रेंड पॉलिसी होनी चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रस्टेड चेन ऑफ कस्टडी होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रस्टेड होगी, चेन ऑफ कस्टडी होनी चाहिए, रिलायबल एनालिसिस होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आपने डीएनए सैंपल कलेक्ट कर दिया उधर से पैसे खिला के रिपोर्ट कुछ और ही आ रही है, जो जैसे आप आजकल मूवी में दिखाया जाता है, ठीक है। ये जनरली देखा गया कि जहाँ पे क्राइम होते हैं वहाँ पे जो सैंपल इकट्ठे करके जो लैब में पहुँचते हैं फॉरेंसिक लैब में, तो फॉरेंसिक लैब वाले कहते हैं कि इसमें बहुत सारी एरर है और अब इससे सैंपलिंग करना बहुत मुश्किल है। तो ये कंडीशन ना होने के लिए हमें अपने पुलिस को, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ट्रेंड करना पड़ेगा। और जो हमारे एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक साइंस रेगुलेटरी बननी चाहिए जो इंडिपेंडेंट रूप से काम करे। और इसमें क्या होना चाहिए, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें आर्टिकल में बोली गई है, नीड फॉर एलिमिनेशन डेटाबेस फॉर पुलिस एग्जामिनर एंड लेबोरेटरी वर्कर। देखो ये क्या है, इसका मतलब है कि जो डेटाबेस हो रहा है, ठीक है, उसको जो डीएनए डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से एलिमिनेशन हो जाना चाहिए, किसका, पुलिस का, क्राइम एग्जामिनर का और लेबोरेटरी वर्कर का। ये क्यों ज़रूरी है, देखो ये इसलिए ज़रूरी है, मान लो ये क्राइम हुआ, ठीक है, ये क्राइम हुआ, यहाँ पे एक पुलिस वाले गए, ठीक है, अब डीएनए का सैंपल हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सैंपलिंग है, ठीक है, हमें यहाँ पे लग रहा है कन्विक्टेड हुआ है, यहाँ पे ये सैंपल उठा रहे हैं, मान लो इनका कोई बाल झड़ के इस पर गिर गया या इसने क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ थूका, ठीक है, क्योंकि इनको तो इतनी अभी ट्रेनिंग मिली नहीं कि क्या क्या करना चाहिए, कि प्रॉपर ग्लव्स पहनने हैं आपको, कहीं पे थूकना नहीं है, ठीक है, बाल भी अगर आपके गिर गया वो इस पर मिल गया और डीएनए टेस्टिंग इसकी हो गई तो पता चला कि पुलिस वाले पे इंजाम लग गया, तो सेपरेशन होनी चाहिए। ऐसी लेबोरेटरी पे जो काम कर रहा है तो वहाँ पे भी मिक्सिंग हो सकती है, एग्जामिनर है वो भी, तो एक सेपरेशन के लिए प्रॉपर एलिमिनेशन होना चाहिए डेटाबेस का इन तीनों के लिए, क्योंकि ये लोग वहाँ पे उस फील्ड में वहाँ पे काम करेंगे, कौन, पुलिस वाला, क्राइम एग्जामिनर और लेबोरेटरी वर्कर, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगला क्या ज़रूरी चीज़ है, इंडिपेंडेंट एथिक्स बोर्ड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट एथिक्स बोर्ड, अगर ये नहीं होगा तो आप किसी का भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो डीएनए का और उसका मिसयूज़ कर सकते हो, किसी और को फंसा सकते हो आप, ठीक है, कोई बड़े लोग के ऊपर क्राइम अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, देखा सैंपल किसी और का कलेक्ट करके किसी और को ही फंसा दिया, तो हमारा एथिक्स जोन है जो प्रॉपर 100% मेंटेन होना चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, आपने कलेक्ट करके फिर उसको मतलब उसकी इंसल्टिंग कर रहे हो, ठीक है, वो बात अलग है उसने क्राइम किया उसको सज़ा मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी प्राइवेसी फिर भी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। डेटाबेस कलेक्शन का इस जो बिल जा गया है पार्लियामेंट में उसमें दो तरीके के बताया है कि डेटा सेपरेशन होगा, ठीक है, डेटा सेपरेशन से पहले हम पढ़ते हैं कि किन दो कैटेगरी के लोगों का डीएनए कलेक्ट किया जाएगा विदाउट कंसेंट, मतलब जैसे कि कोई एक आदमी, हमें लग रहा है कि इस आदमी ने, ये सस्पेक्टेड है मतलब इसने क्राइम किया है, तो हम इसकी बिना मर्जी के भी डीएनए सैंपल ले सकते हैं। अभी तक ये होता था कि उसकी मर्जी लेनी पड़ती थी कि भैया डीएनए सैंपल दे दो, ठीक है, वो कहता था अभी टाइम नहीं मेरे पास, मैं ये पागलपन होने का नाटक करता है कि ये करता है वो करता है, तो अब हम डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं किन दो कैटेगरी में, वो हम पढ़ेंगे। तो वो दो कैटेगरी ये हैं कि अगर सस्पेक्ट ने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है ना, और हमें मजिस्ट्रेट की परमिशन मिल गई है,
ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने परमिशन दे दी है तो हम उस आदमी का डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं उसकी मर्जी के बिना। दूसरा क्या है, अगर कोई सस्पेक्ट है जिसने बहुत ही सीरियस ऑफेंस किया है, ठीक है, बहुत ही सीरियस ऑफेंस किया है, तो यहाँ पे हमें मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल कहता है इन दो कैटेगरी में, सस्पेक्ट कैटेगरी में और मोर सीरियस सस्पेक्ट कैटेगरी में, हम उस आदमी की विदाउट कंसेंट के डीएनए उसका कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये दो चीज़ हमें इसमें याद रखना, इस बिल के अंदर है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस सेपरेशन की जो हम बात कर रहे थे वो ये होना चाहिए, ये सजेशन है कि दो तरह का डेटाबेस होना चाहिए सेपरेशन। एक होना चाहिए मिसिंग पीपल का, मिसिंग पीपल जो खो गए उनके लिए अलग, और क्रिमिनल्स का अलग होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो, जो मतलब कोई ये एक फैमिली है, ठीक है, इस फैमिली से इनका एक बच्चा जो खो चुका है, अब इसके रिलेटिव्स, इसके माँ बाप जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपना डीएनए का सैंपल देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके डीएनए का जो सैंपल है इनके बच्चे के सैंपल से मिलेगा। तो ये अपना डीएनए का सैंपल जाके लेबोरेटरी में जमा करेंगे और उस डीएनए सैंपल से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके जो जो खोए बच्चे मिले हैं, ठीक है, उनसे मैच किया जाएगा और जो उससे मिल गया मतलब वो उनका बच्चा है। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो मिसिंग पीपल हैं, ठीक है, जो अपना डीएनए कलेक्ट करके उनका जो है फॉरेंसिक लैब में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उनको अलग रखना चाहिए, उनका डेटाबेस अलग करना चाहिए, क्रिमिनल से नहीं मिलाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर फॉरेंसिक लैब में ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई तो ये बेचारे वॉलंटियर जो माँ बाप थे, रिश्तेदार थे, जो अपने जानकारों को खोजने के लिए अपना डीएनए सैंपल जमा करवा रहे हैं और वो डीएनए सैंपल दे दिया क्रिमिनल केस के लिए और कन्विक्ट बना दे इनको, ऐसा मिसयूज हो सकता है और ये होगा भी। तुम देखना, भारत बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ पे बहुत लोग हैं पैसे वाले जो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम सजेशन दे रहे हैं कि अलग अलग सेपरेशन होना चाहिए और जो क्रिमिनल्स है उसका तो अलग ही होना चाहिए, इनमें दोनों का मैच नहीं होना चाहिए, दोनों को अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने न्यूज़पेपर पूरा ये इसमें ख़त्म करा, बहुत अच्छे आर्टिकल थे, थोड़ा लंबा हो गया 9 अगस्त का, ठीक है। इसके बाद जो है स्पोर्ट्स सेशन है, वो हमें क्या कहते हैं पीटी पॉइंटर, वो अलग से कराए जाएंगे, उनका कोई मतलब मेन से नहीं है। बीच में एक फिर भी इकोनॉमिक्स में आर्टिकल आ गया है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है उसको स्ट्रेंथन होना चाहिए एनपी को सुधारने के लिए, तो हमें वो पहले से पता है, ठीक है, चाहे वो आईएमएफ बोले क्या बोले, हम पहले से कर रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष के अंदर कर रहे हैं और मिशन इंद्रधनुष को मैं पूरे अच्छी तरीके से आपको एक दो आर्टिकल में समझाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे मैं एनपीए पूरा समझाऊंगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो पूरा समझाऊंगा और क्यों एनपीए हो रहा है, सीएआर क्या होता है, टीयर वन टीयर टू कैपिटल क्या होती है, ये सब वहीं पे हम ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एकेडमी, हैव ए गुड डे, स्टे ब्लेस।